नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारा YouTube चैनल बालाजी टेक्निकल ईवी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि मोटर की रिवाइंडिंग कैसे की जाती है और रिवाइंडिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, कितने नंबर का वायर लेना है, कितने नंबर का गेज डालना है और कितने टन डालने हैं, उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं। ये हमारी मोटर की कॉइल है जो पूरी जली हुई है, इसको हम एक एक करके निकाल रहे हैं। निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है कितने टन डले हुए हैं, कितने नंबर का गेज है और कितनी कितनी कोयले एक साथ है। हमारे इस मोटर में 25 नंबर वायर है और 6 टन है और 12 वायर टोटल है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, जब भी मोटर आप निकालो तो उसे एक कोयल आपको पूरी निकालनी है ताकि उसमें आप उसका माप ले सकते हो कितनी लंबी हमारी कोयल डली हुई है। और जितनी लंबी कोयल डली हुई है उससे आपको 1 फीट या 1.5 फीट ज्यादा ही रखना है, ताकि कोई कुछ भी 19-20 टन कम ज्यादा हो या थोड़े बहुत हैवी लूज वगैरह आ जाए तो फिर भी आपका काम चलता रहे, आपकी कॉइल छोटी ना पड़े। गेज का आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट नंबर, सेकंड कोयले कितनी डली हुई है ध्यान रखना है, थर्ड आपको कितने टन एक में डालने हैं, इन चीजों का पूरा पूरा आपको ध्यान रखना है। गेज के साथ है आपको क्या करना है, 4 कोयले डालनी है, फिर 8 कोयले छोड़नी है, फिर 4 डालनी है, फिर 8 छोड़नी, इस तरह से आपको रनिंग लेनी है। इसमें 4 कोयले डाली है फिर 8 छोड़नी, यानी कि आपके 3 सर्किट चलेंगे, 4 4 कोयलों के 3 सर्किट, यानी कि 12 कोयल टोटल होती है। तो आपको 4 टन लेने के बाद 8 टन बीच में छोड़ना है, फिर 4 टन डालने हैं, फिर इस करके 4 कोयले 4 कोयले एक साथ करके 4 राउंड में पड़ेगी आपकी। फिर सेकंड वाली जो पड़ेगी वापस वो 4 4 में करके पड़ेगी। आपको 1 टन में 6 वायर 12 वायर लेने हैं और 1 टन में 6 टन डालने हैं, 6 बार राउंड राउंड डालना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ना है। इस तरह से आपको रिवाइंडिंग करनी है। और वैसे आप इसमें देख ही सकते हो कैसे हमने बीच में गैप छोड़ा हुआ है और आगे हम दूसरा सर्किट ले रहे हैं। और सर्किट को डालने के लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना, जो लास्ट कॉइल हमारी डली हुई है वैसे के वैसे राउंड में वापस सेकंड वाली जो अपन डालते हैं वैसे के वैसे डालनी चाहिए, तभी जाके हमारा कॉमन बैठेगा और हमारी मोटर चल पाएगी। अगर आपने यहाँ टर्न डालते वक्त जो लास्ट वाला टर्न है उसका जस्ट अपोजिट डाल दिया तो आपकी मोटर कभी भी नहीं चलने वाली है। टर्न डालते वक्त आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है, जैसे लास्ट कॉइल है वैसे वापस उधर की फर्स्ट कॉइल वैसी की वैसी होनी चाहिए, जैसे वो लेफ्ट टू राइट है तो सेकंड वाली भी लेफ्ट टू राइट ही होनी चाहिए, और अगर राइट टू लेफ्ट है तो वो भी राइट टू लेफ्ट ही होनी चाहिए। इस चीज का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो या आपको लगे कि हमने कुछ अच्छा आपको सिखाया है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा सपोर्ट करते रहिए। जैसे आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे और आपके लिए नई नई चीजें लाते रहेंगे, जितना हो सकेगा हम आपको उतना नॉलेज देते जाएंगे। यह हमारी कोयले डल चुकी है, करीब करीब हमारी मोटर पूरी होने आई है। देख सकते हो आप पूरी मोटर जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब खाली इसमें हमने पेपर को मोड़ के उसमें ये ऊपर की तरफ जो लगाते हैं जिससे हमारे वायर बाहर नहीं आए, खाली वो लीड लगानी है, बाकी हमारी मोटर पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसकी रिवाइंडिंग कर दी है, अब इसके कनेक्शन की बारी है, हम इस पे कनेक्शन करने वाले हैं। उससे पहले हमें ये सारे कोयले जो डाली है उसमें हमें एक बार एक एक बार ये टिनकी जो होती है इसको लगानी होती है, जिससे कि हमारे वायर बाहर की तरफ ना आए और बॉडी के साथ अर्थ ना हो।
विजन है। ये हमारा लास्ट टर्न डल रहा है। ये लास्ट वाली कॉइल डाल रहे हैं हम, और ये कॉइल डालने के बाद वो बची हुई जो टिनके है वो लगानी है इसमें। ये वायर छिल के और इनके ऊपर पॉलिश हटानी है, फिर उसके बाद इसमें कनेक्शन देने हैं। ये लास्ट वाले कनेक्शन है, इसमें ये क्लिप लगा के फिर इसके ऊपर पेस्ट वेस्ट लगा के और इसको अच्छे से सोल्डरिंग करना है, ताकि हमारी मोटर जो है लूज कांटेक्ट में आई रहे और केबल जो है हमारी गर्म नहीं हो और मोटर भी गर्म नहीं हो। यहाँ पे आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का यहाँ पे कार्बन नहीं होना चाहिए या किसी भी प्रकार से लूज कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए, बाकी मोटर आपकी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। ये हमने सोल्डरिंग कर दिया है, आपको देखना है किस तरह से सोल्डरिंग करना है इसको, और एकदम अच्छे से सोल्डरिंग करना पूरी तरह से, ताकि यहाँ पे अगर लूज कांटेक्ट हुआ तो केबल या मोटर दोनों गर्म होगी हमारी, इसलिए अच्छे से सोल्डरिंग करना है इसको। उससे पहले आपको ये पेपर फंसाने हैं अंदर, ताकि इसको आगे सरका सको।
लास्ट में ये ऊपर ग्रिप लगानी है जिसकी वजह से हमारी मोटर बॉडी अर्थ ना करे, और इस ग्रिप को अच्छे से फिट करना है। अब है वार्निश की बारी। इस तरह से वार्निश डालना है इसमें ताकि जैसे कहीं कट वट लग गया हो या कुछ भी वायर छिला गए हो तो ये वार्निश डालने से हमारे जो वायर है वो रिपेयर हो जाएंगे, और कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ भी सही तो इस वार्निश से उसके ऊपर फिर से पॉलिश आ जाएगी जिसकी वजह से मोटर लॉन्ग टाइम चलेगी, बॉडी अर्थ भी नहीं आएगा और गाड़ी अच्छी चलेगी। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारा वीडियो देखा पूरा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और पूरा पूरा सपोर्ट करें दोस्तों। और कुछ नए वीडियो अगर आप चाहते हो तो उसके लिए हमें कमेंट करें ताकि हम आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना के दे सकें।